नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज के इस लेसन में हम लोग जी मेजर 7 गिटार कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस कॉर्ड में यूज होने वाले नोट्स हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो हैं जी, बी, डी और एफ शार्प। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों नोट्स को हम लोग अपने पूरे फ्रेटबोर्ड पर कहीं भी बजा दें तो हमारी जी मेजर 7 गिटार कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं हमें किस तरीके से बजाना है। थोड़ी सी ट्रिकी है ये कॉर्ड बजाना। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कैसे बजाना है इसे। आपकी रिंग फिंगर 6 स्ट्रिंग 3 फ्रेट पे, आपकी मिडिल फिंगर 5 स्ट्रिंग 2 फ्रेट पे और आपकी इंडेक्स फिंगर 1 स्ट्रिंग 2 फ्रेट पे और बीच की 4th, 3rd और 2nd फ्रेट आपको ओपन रखनी है। ठीक है, आपको बजाना है 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6। तो आपको इंडेक्स फिंगर रखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे इसे। ठीक है दोस्तों, और बजाइए सारी स्ट्रिंग्स। ठीक है दोस्तों, दोबारा से देखते हैं। आपकी रिंग फिंगर 6 स्ट्रिंग 3 फ्रेट पे, आपकी मिडिल फिंगर 5 स्ट्रिंग 2 फ्रेट पे और आपकी इंडेक्स फिंगर 1 स्ट्रिंग 2 फ्रेट पे, वो बजानी आपको सारी स्ट्रिंग्स। आप इसे दूसरे तरीके से बजा सकते हैं, जैसे आपने एफ शार्प मेजर से हमने देखा था लास्ट लेसन में, हमने इस तरीके से बजाई थी। तो हम इसे एक स्टेप आगे ले आते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी जी मेजर 7 गिटार कॉर्ड बन जाएगी। आपकी पिंकी फिंगर 4th स्ट्रिंग 5 फ्रेट पे, आपकी रिंग फिंगर 3rd स्ट्रिंग 4th फ्रेट पे, आपकी मिडिल फिंगर 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पे और आपकी इंडेक्स फिंगर 1st स्ट्रिंग 2nd फ्रेट पे, और बजाना आपको 4 3 2 1 1 2 3 4। तो ये थी हमारी जी मेजर 7 गिटार कॉर्ड। अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया तो इसे रेट करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।